अब दे तार ये रीवा अरोड़ा को लेकर के जिसे लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल एक म्यूजिक वीडियो में 12 साल की रीवा अरोड़ा को 38 साल के करण कुंद्रा के साथ लव ट्रायंगल में दिखाया गया है, जिसके बाद लोग भड़क गए हैं। इसके कुछ देर बाद ही रीवा अरोड़ा ने वीडियो को हटा भी दिया है। वैसे आप खुद ही देखो किस एंगल से 12 साल की लगती है। नेक्स्ट अभी तार ये बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी को लेकर के जिसका अनाउंसमेंट हो गया है। फिल्म में बालाकृष्णा के साथ श्रुति हासन मुख्य भूमिका में होगी। वहीं इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म अगले साल संक्रांति पर रिलीज होगी। इस मूवी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अवतार ये फून भूत मूवी को लेकर के जिसका डायलॉग प्रोमो आउट हो गया है। फिल्म में कटरीना कैफ के साथ ईशान खट्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अवतार ये ईशिता राज को लेकर के जो अपनी नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म का नाम अभी सामने नहीं आया है लेकिन फिल्म की शूटिंग अगले साल स्टार्ट होगी। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अभी तारीख थैंगोज मूवी को लेकर के जिसे US सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं इसके रन टाइम की बात करें तो फिल्म 2 घंटे 1 मिनट 34 सेकंड लंबी होगी। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अभी तारीख राम सेतु मूवी को लेकर के जिसे US सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं इसके रन टाइम की बात करें तो फिल्म 2 घंटा 24 मिनट लंबी होगी और फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अभी तारीख ब्लैक पैंथर मूवी को लेकर के जो फेस्टिवल सीजन में भारतीय फैंस के लिए एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे फिल्म 11 नवंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश में रिलीज होगी। नेक्स्ट अभी तारीख स्पोर्ट्स से जहां पाकिस्तान के प्लेयर शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं। दरअसल प्रैक्टिस के दौरान गेंद उनके सर पर लगी थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अभी तारीख कल क्वालिफायर में 2 मुकाबले खेले गए थे। पहला वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच खेला गया था जिसमें आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के स्कोर कार्ड की बात करें तो काइल मैच 1, जसन सार 24, लिविस 13, ब्रेनम किंग ने 48 गेंद में 62 रन बनाए थे जिसमें 6 चौका और 1 छक्का शामिल था। वहीं पूरन 13, रोमन पॉयल 6 और ओडेन स्मिथ ने 19 रन बनाए थे। आयरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो मैग्रेडी को 1, सेमी सिन को 1 और देलानी को 3 विकेट मिला। वहीं लच का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 17.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आयरलैंड की ओर से पॉल स्टर्लिंग ने 48 गेंद में 66 रन बनाए जिसमें 6 चौका और 2 छक्का शामिल था। वहीं बारबरी ने 23 गेंद में 37 रन बनाए जिसमें 3 चौका और 3 छक्का शामिल था। वहीं टकर ने 35 गेंद में 45 रन बनाए थे जिसमें 2 चौका और 2 छक्का शामिल था। वहीं वेस्टइंडीज की ओर से सिर्फ अकेला हुसैन को 1 विकेट मिला और इस हार के साथ 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज टीम बाहर हो गई है। वहीं अगला मैच स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था जहां जिम्बाब्वे ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। स्कॉटलैंड के स्कोर कार्ड की बात करें तो मूसे ने 51 गेंद में 54 रन बनाया था जिसमें 7 चौका शामिल था। वहीं माइकल जोन्स 4, एम क्रॉस 1, बैरिंगटन 13, मैकलिट 25, लिक्स 12, क्रिस ग्रेव्स 3 और दिवे ने 4 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो चतारा को 2, नगवारा को 2, मुजरबानी को 1 और सिकंदर राजा को 1 विकेट मिला। वहीं लच का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड की बात करें तो चकाभावा 4, क्रेग इमेस ने 54 गेंद में 58 रन बनाए जिसमें 6 चौका शामिल था। वहीं मधवीरा 0, सैन विली 7 और सिकंदर राजा ने 23 गेंद में 40 रन बनाए थे जिसमें 3 चौका और 2 छक्का शामिल था। वहीं मेल्टन सिम्बा 11 गेंद में 11 रन बनाए थे। वहीं रियान बोल्ट ने 9 रन बनाए। स्कॉटलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो ब्रेड विल 1, जोस दिवे 2, मार्क व्याट 1 और माइकल एस को 1 विकेट मिला। वहीं क्वालिफिकेशन मुकाबला समाप्त होने के बाद ग्रुप टेबल क्लियर हो गया है। ग्रुप ए की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और अफगानिस्तान होगा। तो ग्रुप बी की बात करें तो जिसमें भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे होगा। और भारत के मैचेस की बात करें तो वह 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। वहीं 27 को नीदरलैंड, 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका, 2 नवंबर को बांग्लादेश और 6 नवंबर को जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। वहीं 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। और आज के मुकाबले की बात करें तो आज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दोपहर 12:30 बजे से स्टार्ट होगा और दूसरा मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच शाम 4:30 बजे से स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।